नमस्कार एवरीबॉडी, मैं हूँ आपका दोस्त HDJX और वन ब्लॉक के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और ये क्रेजी यार, ये क्या क्या स्किन पहनता है यार, देखो ना किसी बंदर की तरह क्या स्किन है वो, शक्ल तो देखो भाई यार, क्या ही अजीब स्किन लगा था यार, ये क्रेजी यार ये अभी ना। तो वन ब्लॉक के एपिसोड में बात है, पीछे देख सकते हो फ्लैग जो हमने पिछले एपिसोड में बनाया था, क्या आपने एपिसोड देखा नहीं तो आके देखो। बाय द वे इसकी लाइफ कैसे कम हो रही है भाई, ये तो कुछ कर भी नहीं रहा। और आज इविल गॉड नहीं है, थैनोस और क्रेजी यार ये। और इस भाई की लाइफ कैसे कम हो रही है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बेवकूफ़ है। चलो जाके सो जाते हैं भाई, सो जाते हैं, नींद आ रही है। चलो कल सुबह हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं इस एपिसोड में। अरे भाई तू सो क्यों नहीं रहा भाई, काम धंधे ने, ये क्या क्रेजी आ रही है, क्या पागल आदमी है, सो जाओ यार, ये बेवकूफ़ है, इसकी क्या क्या कर सकता है क्रेजी यार, कुछ भरोसा नहीं इसका। तो आज के एपिसोड में हम थोड़ी एंचेंटिंग करने वाले हैं और उसके आगे कुछ तो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो वो कौन सा बनाएंगे अभी तक हम लोगों ने सोचा नहीं है। तो मेरे पास एक डायमंड का ही है और बाकी सब आयरन का ही यूज़ करेंगे, हमारे पास थोड़ा सा ये भी है तो इससे ये क्या बोलते हैं नेदरराइट का आर्मर हो जाएगा, तो उतना हम लोग काम चला लेंगे। और थोड़ी सी एंचेंटिंग करेंगे, एंड फाइट की प्रैक्टिस तैयारी करेंगे और फिर हम लोग एक स्ट्रक्चर भी बनाएंगे हमारे वन ब्लॉक ने। वैसे भी आज के एपिसोड में भी शाउट आउट देने वाला हूं पिछले वीडियो के कोड वालों को, और आज के वीडियो में भी कोड दूंगा, तो पूरा वीडियो देखना। हमारे पास ऑलरेडी एक एंजेंट नहीं क्या बोलते हैं उसको, नेदरराइट वाली स्वॉर्ड है, तो मैंने अपने लिए एक नेदरराइट का चेस्ट प्लेट बना लिया, बाकी किसी को नेदरराइट चाहिए नहीं तो क्या है, मैं रख लेता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे एनविला भी उसको एंजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे थॉन 3, मतलब इससे अगर एनिमी हमें मारेगा तो उसी को डैमेज होगा। फिर उसके बाद हम लोग लगाएंगे अनब्रेकिंग 3, जिससे इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि मेंडिंग नहीं है हमारे पास और अभी और ढूंढना पड़ेगा, मतलब इतने सारे बुक्स पड़े हुए हैं हमारे पास ना कि ढूंढने में बहुत टाइम जाता, थोड़ी सी XP बढ़ा लेता हूँ यार। तो यहाँ पे आखिरी डायमंड हेलमेट को एंचेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे वही सब चीज़ें लगा रहा हूँ जो मैंने चेस्ट प्लेट को लगाई, और फिर आपको दिखाता हूँ, मतलब आयरन का ही आर्मर बना दिया, बाकी सब पैंट आयरन की और शूज़ भी आयरन के ही है, और शूज़ को फेदर फॉलिंग लगा दिया, मतलब हम लोग जब ऊपर चढ़ेंगे वो ऊपर वाले तोड़ने के लिए एंड फाइट में, तो हम गिरेंगे तो हमें ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा पूरा सेटअप में है, और क्रेजी आ रही और थैनोस अभी सबको ही आपको पहन के दिखा देगा कितने OP लग रहे हैं गाइज, हम लोग बहुत OP लग रहे वाले हैं। और ऐसे वीडियो आज का वीडियो भी OP है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार गाइज, इस साल से पहले 1,00,000 सब्सक्राइबर्स पहुँच रहे हैं, इस स्पीड में चलते रहे तो यार 10,000 भी नहीं होंगे, सच में बता रहा हूँ, तो दबा दो यार, दबा दो बिंदास, फ्री है। और गाइस कैसे लग रहे हैं हम तीनों के तीनों, एकदम चमक रहे हैं एंचेंटिंग की तरह यार, क्या मस्त लग रहा है, एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, थंबनेल में काम आएगा ज़रूर यार, इविल गॉड तो भी और अच्छे लगते। तो चलो ठीक है यार, ये ठीक है, अभी कोई तो स्ट्रक्चर बनाएंगे, थैनोस सोच यार कोई तो अच्छा स्ट्रक्चर जो हमारे वर्ल्ड में और OP लगे। एक क्रेजी यार नीचे देखना भाई, ये क्रेजी यार एक नंबर का एंटिक मटेरियल है यार, कहाँ से आया है मुझे कोई मालूम नहीं। ओए ओए ओए, थोड़े देर के लिए क्या AFK चला गया, लोग तो मेरे को गिराने की कोशिश कर रहे थे, अरे क्रेजी अरे नीचे गिर गया था ना भाई, भाई भाई ये चीटिंग करते हैं लोग, मैं थोड़े दिन के लिए थोड़ा AFK चला गया और ये लोग मेरे को गिराने की कोशिश, ओ भाई क्रेजी अरे नीचे गिर गया क्या भाई, भाई थैनोस OP थैनोस। भाई तो आपको मैंने पिकेक्स दिखाओ, इसको मैंने ये लगाया, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं क्रेजी यार ये कुछ तो लगाया, छोड़ो तो इससे ये क्या पावरफुल एफिशिएंसी लगाई है, मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब 2 शॉट में देख सकते हो अभी तोड़ देगी दूंगा, देखो भाई साहब क्या ही पिकेक्स यार, क्या ही पिकेक्स है, एफिशिएंसी 4 से इतना तेज माइन कर सक रहा हूँ यार, OP लग रहा है, OP लग रहा है। चलो यार इसको सब रख के आता क्योंकि इसको मेंडिंग नहीं है, और फिर कोई तो स्ट्रक्चर बनाएंगे यार OP वाला। सो यहाँ से हम लोग आगे बनाने वाले हैं, यहाँ से एक एरिया बनाएंगे क्योंकि यही साइड सिमिलर वो साइड से आके एनिमल फार्म है और उससे आगे मॉब फार्म है, तो इस जगह भी एक बड़ी से टावर बनाएंगे ऐसे हम लोग ने सोचा है, मैंने और थैनोस ने। हमारे पास बहुत ज़्यादा मतलब ऑलमोस्ट 7-8 स्टैक एंड स्टोन मिला था हमें बहुत माइनिंग कर करके, तो वो सब अभी हम लोग इसका इस्तेमाल करके एक टावर बनाने वाले हैं। बाय द वे देख सकते हो कितना OP वर्ड लग रहा है। उसी के साथ मैं आपको पिछले वीडियो का शाउट आउट भी देता हूँ, शाउट आउट उन लोगों को जिन्होंने पिछले वीडियो में जय हिंद कोड बोला था, वो पिछले वीडियो का कोड था, वैसे आज के वीडियो में भी कोड दूंगा, तो पूरा वीडियो देखना गाइज। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मतलब आपको पता चल जाएगा वन ब्लॉक के बहुत सारे एपिसोड्स हम लोग करने वाले हैं, मतलब इतने जल्दी हम लोग एंड नहीं करेंगे सीरीज, बहुत OP बनाएंगे, और लास्ट में इसकी डाउनलोड लिंक भी दूंगा मैं सीरीज खत्म होने के बाद। तो चल थैनोस भाई बिल्ड करते हम लोग यहाँ पे एक टावर बनाने का OP वाला आइडिया है। अरे भाई गिर कैसे गया, शिट यार मैं बिना कैसे ग्लिच की वैसे मिल गया, तो अभी ये बना देता थोड़ा सा स्ट्रक्चर एरिया, उसके बाद हम लोग टावर बनाना शुरुआत कर देते हैं। अब इतना एरिया बनी गया और मेरे पास बहुत ज़्यादा वूल है जो हम लोग ने फ्लैग बनाने के लिए इस्तेमाल कर दिया था, तो यहाँ पे मैं एंट्रेंस के लिए वूल का इस्तेमाल करता हूँ, वैसे बहुत ब्लू और ग्रीन वूल है, ये क्रेजी आरी ने बहुत ही ज़्यादा बना दिया, पर ठीक है कोई बात नहीं, क्रेजी आरी का काम बाद में तो काम आया, चलो किसी तो काम आया क्रेजी आरी, तो चलो ये ऐसे लगाएंगे और हम लोग इसके ऊपर एक गेट बनाएंगे, बहुत OP लगेगा। तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा ये भी है, एंड स्टोन से हम लोग टावर बनाने वाले हैं, टावर कैसे बनाएंगे तो अभी तक सोचा नहीं है, यहाँ पे पहले गेट ही बना लेते हैं उसके बाद में का सोचेंगे, अभी यहाँ पे मेरे को ये सड़ा, अरे क्या कर दिया मैंने यार,
अब वापस ऊपर चढ़ना पड़ेगा मेरे को। और फिर वो गेट बनने के बाद ओपी लगेगा गाइस, मैं आपको बताता हूँ। मतलब देखो ना, एक जो अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया जिससे ओपी लगेगा, वैसे आप सजेस्ट कर सकते हो हम लोग इस वन ब्लॉक के क्या क्या और बना सकते हैं चीज़ें, तो आपको मैं स्पेशल शाउट आउट भी दूंगा अगर आप ऐसी कोई अच्छी चीज़ बता सकते हो जो हम लोग इस वर्ल्ड वन ब्लॉक में बना सकते हैं। तो चलो यहाँ पे ये लग चुका है, बस थैनोस एक काम कर, लैंटर्न लेके आ, मतलब इसको हम लोग लाइटिंग करेंगे तो बहुत ओपी लगेगा। थैनोस को बोला लैंटर्न लेके आओ, लैंटर्न लेके आ गया था, और मैं भी बेवकूफ उधर चला गया लैंटर्न लेने के लिए। और यहाँ पे एंट्रेंस देख सकते हो, वाओ गाइस वाओ, देख सकते हो एंट्रेंस के बीच में सन, क्या ओपी लग रहा है यार। मतलब मेरे को आइडिया आ चुका है अभी हम लोग क्या करने वाले, देख सकते हो ना कितना ओपी लग रहा है सनसेट बोल रहा हूँ मैं, वाओ यार लिटरली बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। थैनोस क्रेजी यार, देखो तो सही यहाँ से कितना ओपी लग रहा है। अब हम लोग ऐसे ही करेंगे सनसेट ना डिस्टर्ब हो, इसलिए हम लोग दोनों साइड से टावर लगाएंगे। मतलब आपको मैं बताऊँगा, पूरा वीडियो देखना तो सही। ये टेक्सचर पैक की वजह से सनसेट क्या ही मस्त लगता है, बहुत ही मस्त लगता है। लाइक ठोक दो वीडियो को, और यहाँ पे थैनोस क्रेजी आरे को ट्रोल, वो देखो गिरा कैसे, देखा आपने क्रेजी आरे की शक्ल। तो चलो यार, इतना एरिया हम लोग ने बना लिया, अभी हम लोग के पास एंड ब्रिक बहुत ज़्यादा पड़े, टन भर करोड़ों में पड़े, तो इसका इस्तेमाल हम लोग टावर बनाने में ज़रूर करेंगे। सो यहाँ पे देख सकते हो, ये ऐसे हम लोग बनाने वाले हैं, हम लोग के पास बहुत ज़्यादा पड़े, हम लोग ने लाइक 4-5 दिन, मतलब हम लोग ने जितना वन ब्लॉक में ब्लॉक्स आते हैं माइन करने के ना, उससे 10 गुना तो लास्ट फेज में ही माइन किए होंगे, इतना ज़्यादा हम लोग ने माइनिंग किया। और ऐसे हम लोग ये टावर बनाने वाले दोनों साइड से, मतलब बीच में से पूरा सनसेट हमेशा दिखता रहे। और ये क्या है भाई, ये किसने बना दिया, अरे क्रेजी अरे तू ये क्या कर रहा है भाई, ये ऐसा नहीं बनाना है हमें, वो भाई क्या कर रहे हैं, वाह 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 क्रेजी अरे, नाइस स्किल क्रेजी अरे, कुछ तो किया, किसी तो काम का है, कुछ तो आता है क्रेजी अरे को। तो ऐसे ही सिंपली मुझे यहाँ से जैसे बनाया वैसे ही मुझे वो साइड से भी बनाना है जैसे थैनोस ने बनाया ऊपर तक, मतलब हम लोग को पूरा वन ब्लॉक का व्यू भी आए, और हाँ सनसेट भी देख सके हम लोग, यही हमारा आइडिया है। वो रहा आसमानों की ऊंचाइयों में थैनोस, और मैं ऑलमोस्ट ऊंचाई तक पहुंच चुका हूँ, यहाँ पे मेरे को थोड़ा और बिल्ड करना है। और यहाँ पे ये क्रेजी अरे पानी लेके ऊपर क्यों आ रहा है भाई, तेरे स्किल्स हम लोग ने देख लिए, बस हो गया भाई, तेरे स्किल्स के लिए मेरे को ओलंपिक्स लेना पड़ेगा भाई, समझ गया भाई, ठीक है क्रेजी अरे इतना स्किल्स मत दिखा, ये जाना नीचे जाना, इरीटेट क्यों कर रहा है, चल निकलना। तो यहाँ पे मेरे को और भी ऊपर तक बनाना है, फिर यहाँ से पूरा जो लुक आता है ना यार गाइस, रुको मैं आपको ऊपर पहुँच के दिखाता हूँ, ये क्रेजी अरे मस्ती खो रहे एक नंबर का यार। अब ये प्लेटफॉर्म कंप्लीट हो गया, मतलब नीचे से दिखाऊंगा, देख सकते हो क्या सुंदर वो यार, ओपी डोपी व्यू है यार इधर से। तो यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं यहाँ पे एक हेलीपैड बना देते हैं एच नाम का, तो यहाँ पे मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, हम लोग ये तोड़ के भी कर सकते हैं, रुक ये कलेक्ट कर लेता हूँ, रुक जा भाई थैनोस। तो यहाँ पे ये क्रेजी यार, ये पानी निकल आज, ये पानी के साथ इतना क्यों खेल रहा है मुझे मालूम नहीं। अभी इसमें हम लोग ये भर देंगे, मतलब एच बन जाएगा यार थैनोस ओपी यार, आज थैनोस फॉर्म में और बहुत कुछ अच्छे क्रिएटिव आइडियाज़ दे रहे थैनोस, वेरी गुड थैनोस। और यहाँ पे एच बन चुका है, यहाँ पे नहीं ये मोटा लग रहा है, बहुत अजीब लग रहा है, छोड़ उसकी जगह ये सैंड्स नहीं लगा देते। और यार अच्छा लग रहा है व्यू भी आपको दिखा, तो ये क्रेजी यार गिर गया करे, अबे भाई गिरते बच गया ना, बेवकूफ लड़का है क्या अभी तू। अब यहाँ पे हम लोग ने ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ लगा दी, और यहाँ से व्यू देखो क्या पीसफुल व्यू है, और यहाँ पे नीचे क्रेजी आ रही है इधर उछल उछल के ऊपर आते हुए। यहाँ पे हम लोग ने दोनों साइड से सीढ़ियाँ लगा दी, और यहाँ पे हम लोग ने लाइटिंग लगा दी, यहाँ पे बस नीचे अभी हम लोग को भरना है, वो भरने के लिए क्या बचे है ब्लॉक्स वो देखना पड़ेगा, नहीं तो और माइनिंग करनी पड़ेगी। सैंड भी है थोड़ा, पर उतना कांच लगाने के लिए है क्या वो देखना पड़ेगा। और यहाँ पे क्रेजी आ रही है ऊपर आ रहा है, ये थैनोस अपनी मुंडी क्यों नीचे कर रहे हैं, बाय द वे पीछे देख सकते हो फ्लैग अपना इंडिया का, क्या ही ओपी लग रहा है। और यहाँ पे क्रेजी आ रही है, देखो ना क्या कॉमेडी स्किन पहनी है भाई ने यार, यहाँ पे ये क्या लगा दिया मैंने गलती से, यहाँ पे यार क्या कर रहे थे नॉस, तोड़ दिया तूने। तो चलो यार अभी जाके सो जाते हैं, मुझे लगता है इसने फेंस लेके आया क्रेजी आ रहे, तो चलो उसका भी थोड़ा फेंस लगा देंगे। अब मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे मेरे को कांच लगा के प्लेटफॉर्म बनाना है जिससे मैं अपना पूरा वन ब्लॉक का वर्ल्ड देख सकूँ। यार पहली बार हम लोग ने लिटरली ये इतना बड़ा वर्ल्ड बनाया है, तो इससे पहले हम लोग ने कभी भी इतनी सीरीज़ कंप्लीट नहीं की, मतलब हम लोग ने सीरीज़ कंप्लीट की है जो ऑफलाइन हम लोग मेरे भाई लोग खेलते रहते हैं, तो पर हम लोग ने इतना कुछ बनाया नहीं, तो यार हम लोग के लिए भी बहुत ओपी वाला मोमेंट है ये, इसलिए हम लोग जितना हम लोग ओपी कर सकते इसको ओपी करने की कोशिश में है लगे हुए, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है हम लोग को खेलने के लिए। वैसे आपको देखने में मज़ा आता है कि नहीं वो बताना, और मैं क्या वीडियोज़ में इंप्रूवमेंट करूँ और वन ब्लॉक के, तो आप सजेशंस देना गाइज, तो जिससे वीडियोस को हम इंप्रूव कर सकते। तो अभी यहाँ पे मैं ये लगाऊंगा, और इसके ऊपर मैंने फेंस मंगाए थे क्रेजी आरे से, तो वो लगा दूंगा, मतलब क्या यार एकदम बहुत ही मस्त लगने वाला। तो यहाँ पे फेंस लगा देते, और यहाँ से मतलब एकदम भारी यार, बहुत ही मस्त क्रिएटिविटी एट इट्स पीक। तो यहाँ पे बना दिया, और क्रेजी यार ये पागल क्या गिर गया भाई, मरते मरा कैसे नहीं, अरे भाई हाफ हार्ट एक हार्ट पे बच गया भाई।
अब यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे एक प्लेटफॉर्म बनाने वाला हूँ। वो क्या प्लेटफॉर्म होगा वो आज के एपिसोड में मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, वो मैं अगले एपिसोड में बनाऊंगा, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट होने वाला है नहीं। हम लोग अगले एपिसोड में इसको थोड़ा और कंप्लीट करने वाले हैं। ये थोड़ा सा भी मैं प्लेटफॉर्म बना लेता हूँ और फिर आपको मैं नीचे से लुक दिखाऊंगा। भाई आप लोग बोल दो कि यार क्या बनाया है, मतलब इतना ओपी लग रहा है ना, मतलब ये दो बिल्डिंग बनाना है ना बहुत अच्छा हम लोग ने दिमाग लगाया, क्योंकि हम लोग ने दो बिल्डिंग बनाया यार, लिटरली बहुत ही ओपी आइडिया था हमारा ये। तो ये पहले बना देता हूँ और फिर आपको मैं नीचे से लुक देता हूँ। यार आप मतलब बोलोगे यार क्या ही मस्त आइडिया, आप भी आपके वर्ड में ऐसे ही आइडिया बनाओगे, इतना ये ओपी लग रहा है, लिटरली बताता हूँ मैं आपको। बाय द वे आज के वीडियो का कोड है ओपी टावर। हाँ ये फालतू कोड है, मेरे को कुछ सूझा नहीं, इसलिए ओपी टावर कोड डाल दो यार। ये भी अगले वीडियो में, अरे भाई गिर गया गिर गया। तो चलो अभी मर गया तो मैं आपको नीचे से व्यू दिखाता हूँ क्या ही ओपी जगह पे हम लोग ने बनाई है। तो चलो यार व्यू दिखाते हैं। बाय द वे ओपी टावर कोड डालना और अगले माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक में आपको मैं शाउट आउट दूंगा ये कैसे टूटा, तो रेवेजर ने तोड़ दिया। और यहाँ से देख सकते हो क्या बिल्डिंग है भाई, थैनोस ऊपर क्या कर रहा है, नीचे आ जा रहा हूँ। देखो यार क्या गजब बिल्डिंग है, देख सकते हो एकदम बढ़िया। यहाँ पे रास्ता बनाना पड़ेगा उधर जाने के लिए, पर देख सकते हो यार कितना ओपी लग रहा है। वो एच थोड़ा नीचे से छुपाना पड़ेगा, वो हम लोग कर देंगे। और यहाँ पे देखो यार क्या मस्त आइडिया भाई, देख पानी वाला क्रेजी आ रहा है, क्या कर दिया। तो यार देखो यार बहुत ही ओपी लग रहा है यार, मुझे तो बहुत ओपी लग रहा है। भाई देखो आपको मैं सनसेट भी दिखाऊंगा, पर ये वीडियो में नहीं अगले वाले वीडियो में। तो गाइज मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करना कोड बाय बाय, सब्सक्राइब कर दो बाय।